हेलो एवरीवन आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट और आज हम 2020 और 2021 में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे और ये सभी ऐसे सेट पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे जिनसे कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओलाइट सो प्लीज़ कॉन्सनट्रेट होकर बैठिए और सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझिए दीज क्वेश्चन आर गोइंग टू प्ले वाइटल रोल इन योर एग्जामिनेशन ऑल राइट तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है वॉट इज द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक टू थाउजेंड ट्वेंटी यानी कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2020 जो कि अक्टूबर के लास्ट और नवंबर के फर्स्ट वीक तक मनाया गया है इसकी इस बार थीम क्या थी ऑप्शंस हैं सतर्क भारत समृद्ध भारत स्वच्छ भारत समृद्ध भारत स्वस्थ भारत समृद्ध भारत या शिक्षित भारत समृद्ध भारत ओलराइट right, तो देखिए इस बार 2020 के विजिलेंस अवेयरनेस वीक की थीम थी सतर्क भारत समृद्ध भारत ओके okay, इंग्लिश में बोलें तो विजिलेंट इंडिया प्रोस्पेरिस इंडिया ओलराइट दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लीज़ रिमेंबर इट नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज मालाबार जॉइंट नेवल एक्सरसाइज टू थाउजेंड ट्वेंटी कंडक्टेड यानी कि मालाबार जॉइंट नेवल एक्सरसाइज का टू थाउजेंड ट्वेंटी का जो एडिशन हुआ है वो कहाँ पर कंडक्ट कराया गया था ऑप्शनस हैं इंडियन ओशियन बे ऑफ बंगाल साउथ चाइना सी या अरेबियन सी देखिए मालाबार जॉइंट नेवल एक्सरसाइज़ ये इस बार टू फेजिज़ में कंडक्ट कराई गई थी फेज़ वन इसका रहा था थर्ड नवंबर टू सिक्स ऑफ नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड सेकेंड फेज रहा था सेवनटीन ऑफ नवंबर टू ट्वेंटी ऑफ नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी और लाइट एक्सरसाइज नाइनटीन नाइनटी टू से इंडिया और यू एस ए के बीच में कंडक्ट होती है और टू थाउजेंड फिफ्टीन में जापान इसका तीसरा परमानेंट मेम्बर बना था और लाइट टू थाउजेंड ट्वेंटी में ऑस्ट्रेलिया को हमने इन्वाइट किया था इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तो ऑस्ट्रेलिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था तो इस प्रकार से चारों कंट्रीज़ को मिला के बोलें तो उसको बोलते हैं क्वाड तो इसमें तीन परमानेंट मेंबर हैं और ऑस्ट्रेलिया एक टेम्प्रेरी मेंबर है जिसको हमने इनवाइट किया था ऑल राइट एंड दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट एक्सरसाइज इज़ कंडक्टेड टू काउंटर द एग्रेशन ऑफ चाइना इन इंडियन ओशियन एंड साउथ चाइना सी एंड दिस टाइम दिस एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड इन बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी में इस बार ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशंस परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछा जाता है ओके okay, और आगे आने वाली वीडियोस में हम सभी करंट जो अभी रिसेंटली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट की गई हैं वो कवर करेंगे और डिफेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे तो जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो उसके लिए आप सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको ये सभी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपका ये पोर्शन स्ट्रांग रहे जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकें एंड लेट मी इंफॉर्म यू अबाउट वन मोर थिंग सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशनस में पूछे जाने वाले सैड पैटर्न के जो टॉपिक्स होते हैं लाइक ग्रेमी अवार्ड्स ऑस्कर अवार्ड्स भारत रत्न खेल रत्न मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स एट्सेट्रा इन सभी टॉपिक्स पर हम वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुके हैं यदि वो आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो एग्जाम में अपीयर होने से पहले आप प्लीज़ उनको जरूर देख लीजिए बिकॉज दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन ईच एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आर आस्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री इज विच इज़ द फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल डेवलप्ड बाई इंडिया यानी कि भारत के द्वारा इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऐसी कौन सी पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है ऑप्शंस हैं क्यू आर सैम एम राम रुद्रम वन और ब्रह्मोस देखिए रुद्रम वन इंडिया के द्वारा फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो कि डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई है डीआरडीओ स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ये एक ऐसी मिसाइल है जिससे कि हम एनिमी के डिफ़ेंसिव सिस्टम को डैमेज करके उनकी डिफेंड करने की कैपेबिलिटी को रिड्यूस करते हैं जैसे कि रेडार सर्वेलांस सिस्टम्स एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स इसको अक्सर एयर से फायर किया जाता है जिससे कि अपने टारगेट को हिट करती है और उनकी अपने आप को डिफेंड करने की कैपेबिलिटीज को डैमेज करती है और इसको अभी हाल ही में इंडिया के सुखोई थर्टी मार्क वन से टेस्ट फायर किया गया है ओके और ये बाकी की जो तीन मिसाइल्स हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इनसे भी एग्जामिनेशंस में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फर्स्ट वन इज़ क्यू जिसकी फुल फॉर्म है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सेकेंड वन इज एमराम विच मीन्स एडवास्ड मल्टी रोल एयर टू एयर मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल मीन्स इसको एयर टू एयर वॉरफेयर में इस्तेमाल करते हैं जैसे कि एयरक्राफ्ट के बीच में एयर में ही जो फाइट होती है ऑल राइट एंड फोर्थ वन इज़ ब्रह्मोस एज यू ऑल आर वेल अवेयर अबाउट ब्रह्मोस दिस इज द जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड रशिया सो दैट्स वाई दैट नेम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द रिवर ऑफ इंडिया ब्रह्मपुत्र एंड द रिवर ऑफ रशिया मॉस्कवा फर्स्ट फोर अल्फाबेट्स आर टेकन फ्रॉम ब्रह्मपुत्र एंड लास्ट थ्री अल्फाबेट्स आर टेकन फ्रॉम मॉस्कवा रिवर ऑफ रशिया ओलाइट एंड ब्रह्मोज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मिसाइल इट इज़ ए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ओके सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट नो इट इट मे अपियर इन योर एनी एग्जामिनेशन क्वेश्चन नंबर फोर इज हुज़ वन फ्रेंच ओपन टू थाउजेंड ट्वेंटी यानि कि दो हजार बीस में टेनिस का फ्रेंच ओपन इनमें से किस खिलाड़ी ने जीता है ऑप्शंस हैं नोवाक जोकोविक राफेल नडाल रोजर फेडरर या राजीव राम तो देखिए 2020 का फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को डिफीट करके जीता है ऑल राइट एंड दिस क्वेश्चन टू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये टेनिस से रिलेटेड जो भी टूर्नामेंट्स और इनके खिताब होते हैं इससे एग्जामिनेशंस में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है दिस क्वेश्चन इज़ फेवरेट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन ऑल राइट सो यू मस्ट नो इट तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव इज हाउ मैनी सिटीज़ ऑफ़ इंडिया अमंग थर्टी सिक्स ग्लोबल सिटीज़ आर सेलेक्टेड बाय डब्ल्यू ई एफ टू पाए नीर द रोड मैप फॉर स्मार्ट सिटीज़ डब्ल्यू ई एफ मीन्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पूरे वर्ल्ड से थर्टी सिक्स सिटीज़ का सिलेक्शन किया गया है टू पाए नीर द रोड मैप फॉर स्मार्ट सिटीज़ तो इसमें इंडिया की कितनी सिटीज़ को सिलेक्ट किया गया है ऑप्शंस हैं एट फोर टू या पाँच तो देखिए थर्टी सिक्स ग्लोबल सिटीज़ में इंडिया की चार सिटीज़ को सिलेक्ट किया गया है और वो सिटीज़ हैं इंदौर हैदराबाद बेंगलोर एंड फ़रीदाबाद ओके सो दिस क्वेश्चन इज़ ऑलसो वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड रिमेंबर इट और देखिए ये क्वेश्चन आपको केवल एक बार देखने में ही याद नहीं हो जाएंगे आपको इनको रिवाइज़ भी करना है ओके okay, अब रिवीजन के लिए या तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए या आप वीडियो को फिर से एग्जाम से कुछ दिन पहले ज़रूर देखिए एंड वन डे आई वाज रीडिंग ए कमेंट दैट कि सर आपकी जो वीडियोज़ आती है हमको पता नहीं चलता कि आपकी कब वीडियोज़ आ गई हैं ओके okay, तो देखिए इसके लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए जब भी कोई भी नई वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो का पता तब नहीं चलता है जब हमने बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया होता है ओके okay, केवल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने से आपको वीडियो नहीं मिलेगी यू विल हैव टू प्रेस बेल आइकन आल्सो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ स्टेब्लिस्ड रामसर कन्वेंशन विच इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल इन्वायरमेंटल ट्रीटी यानी कि इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रामसर कन्वेंशन को इस्टेब्लिस किया गया है जो कि एक इंटरनेशनल इन्वामेंटल ट्रीटी है रामसर ईरान के एक जगह का नाम है एक सिटी का नाम है और इसको कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड भी बोला जाता है एंड ऑप्शन हैं यूनिसेफ़ डब्ल्यू एच ओ यूनिस्को या आई एम एफ़ तो देखिए रामसर कन्वेंशन को यूनेस्को के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था और यूनेस्को का हेड क्वार्टर है पेरिस फ्रांस में एंड हेड क्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये स्ट्रेटिक जी के पार्ट होते हैं और ये भी ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिशन्स में जी के पोर्शन में पूछे जाते हैं एंड हेड क्वार्टर से रिलेटेड वीडियोज़ हम जल्दी ही आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे तो आप प्लीज़ उस वीडियो को मिस ना कीजिए बिकॉज़ ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ओके okay, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन इज़ हु विल बी द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे परेड ऑन ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन यानी कि दो हज़ार इक्कीस के गणतंत्र दिवस पर यानी कि छब्बीस जनवरी को इस बार चीफ़ गेस्ट कौन होंगे ऑप्शन हैं इमैनुअल मैक्रॉन बोरिस जॉनसन योशीहदय सुगा या स्कॉट मॉरिसन देखिए इमैनुअल मैक्रॉन हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट और बोरिस जॉनसन हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर और योशी हिद सुगा हैं जापान के न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और स्कॉट मोरिसन है ऑस्ट्रेलिया के करंट प्राइम मिनिस्टर ओके इस बार गणतंत्र दिवस पर यूके के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बोरिस जॉनसन चीफ गेस्ट होंगे और देखिए आपके लिए क्वेश्चन है कि योशी हिदे सुगा ये जापान के अभी न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि सितंबर 2020 में इलेक्ट किए गए थे इनसे पहले जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है दिस इज़ ए क्वेश्चन फॉर यू ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल बी द हेड क्वार्टर्स ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट मैरी टाइम थिएटर कमांड विच इज़ सेट टू टेक कंक्रीट शेप बाई नेक्स्ट ईयर देखिए इंडियन नेवी को इफेक्टिव बनाने के लिए एक मैरी टाइम थिएटर कमांड बनने जा रही है ऑल जो कि अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगी और इस कमांड का मेन मोटिव है इंडियन नेवी को इंट्रीगेशन के साथ में इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल किया जा सके जिससे कि हम अपनी कंट्री को इफ़ेक्टिवली डिफेंड कर सकें और इस कमांड के एक कमांडर इन चीफ होंगे जिनका कि फुल ऑपरेशनल कंट्रोल होगा ओवर द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न नेवल फ्लीट्स मैरीटाइम स्ट्राइक फाइटर जेट्स एंड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टू एम्फीवीन इन्फेंट्री ब्रिगेड्स एंड कोस्टल पेट्रोल वेसल्स तो जो हमारी इंडियन नेवी है उस पर एक बर्ड आई व्यू रखना उसको इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए ये एक मेरी थिएटर कमांड बनाई जा रही है जो कि इंडिया की पहली ऐसी कमांड है और इससे इंडिया के कोस्टल एरिया और जो हमारे 1300 समथिंग आइलैंड्स हैं उनको हम इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर सकेंगे और उनको डिफेंड कर सकेंगे तो क्वेश्चन है कि इस कमांड का हेड क्वार्टर कहाँ पर होगा ऑप्शनस हैं मुंबई चेन्नई कारवार या विशाखापट्टनम तो देखिए इस कमांड का हेड क्वार्टर होगा कारवाड़ जो कि कर्नाटक के कोस्टल एरिया में होगा और लाइट दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको जरूर पता होना चाहिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके किसी भी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है ये डिफेंस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके सभी क्वेश्चन अच्छे से तैयार होने चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वामेन विच इनिशियेटिव हैज़ बीन लॉन्च बाई इंडियन रेलवे यानी कि रेलवे यात्रा करने के दौरान वमेन की प्रोटेक्शन के लिए इंडियन रेलवे के द्वारा एक इनिशियेटिव लॉन्च किया गया है उसका क्या नाम है ऑप्शनस हैं ऑपरेशन दोस्त ऑपरेशन साथी ऑपरेशन सखी या ऑपरेशन माई सहेली तो देखिए इंडियन रेलवे के द्वारा वमेन की प्रोटेक्शन के लिए ऑपरेशन माई सहेली एक इनिशियेटिव लिया गया है और राइट और इसके अंतर्गत रेलगाड़ियों में यात्रा करने के दौरान वमेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाएगी और राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 यानी कि 2020 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही है ऑप्शंस हैं 56, 107, 102 या 94 सो आउट ऑफ 107 कंट्रीज इंडिया की रैंक रही है 94 फोर विच इज़ वेरी एम्बेसिंग तो आप कंडीशन देख सकते हैं कि अपनी कंट्री की कंडीशन क्या है हंगर इंडेक्स में ऑल राइट एंड ये इंडेक्स रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं देखिए जो भी क्वेश्चन हमने अभी तक कवर करे हैं दीज ऑल क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऐसे टॉपिक से ये क्वेश्चन हैं जहाँ से कि क्वेश्चन एग्जामिनेशनस में रिपीटडली हर साल अक्सर पूछे जाते हैं ओके okay, और देखिए आगे आने वाली वीडियोस में हम इसी टाइप के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे तो जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन कोई भी वीडियो मिस ना हो तो उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोज़ टाइम टू तो टाइम मिलती रहे और आपकी इस पोर्शन पर अच्छी कमांड रहे जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशनस में अच्छा स्कोर कर सकें ऑल आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगा होगा और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशनस एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे बाय बाय